भाकपा माले एवं अखिल भारतीय किसान महासभा इनॉस के संयुक्त बैनर तले धनवार बाजार में निकाला गया विजय जुलूस। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन के डर से तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी, जो किसान आंदोलन में शहीद किसानों सहित देश भर के किसानों की जीत हुई। भाकपा माले धनवार पूर्व विधायक कॉमरेड राजकुमार यादव ने कहा कि सिर्फ यह घोषणा है, जब तक संसद में कानून को निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर भाकपा माले गिरिडीह जिला सचिव कॉमरेड पूरन महतो, जमुआ विधानसभा प्रभारी कॉमरेड अशोक पासवान, गांडे विधानसभा प्रभारी कॉमरेड राजेश यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है कि मोदी सरकार ने यूपी में चुनाव के हार के डर से ये जो तीनों काले कानून लाए थे एक साल पहले, उसको आज सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है। एक तो ये जो इस आंदोलन में सैकड़ों किसान शहीद हुए और लगातार एक साल से पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा था, उन किसानों की जीत है, आंदोलन की जीत है, लेकिन ये लड़ाई की अभी एक तरह के समझिए कि जीत की शुरुआत है। और इसी के साथ साथ हम समझते हैं कि ये मोदी सरकार के पतन की भी शुरुआत है। सरकार को आखिरकार आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए यह है कि उनका MSP कानून लागू हो। और अभी ये जो कानून वापसी की बात हुई है, इसको भी संसद में जिस तरीके से कानून बनाया था, संसद में उसको कानून को खत्म करने का भी वो प्रस्ताव पारित किया जाए। और ये जो देशद्रोह से लेकर के तमाम तरह के जो कानून के तहत में जो आंदोलनकारियों पर केस हुआ था, मुकदमा हुआ था, वो सारे मुकदमों की वापसी हो और जो शहीद परिवार किसानों के परिवार हैं उनको मुआवजा मिले। और तमाम तरह के जो अभी बिजली कानून से लेकर के और भी तरह तरह के काले कानून लाने की जो तैयारी मोदी सरकार कर रही है, उससे सरकार को पीछे हटना होगा। अभी यहाँ अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक हुई है जिला कमेटी की, जिसमें विजय जुलूस निकालने के साथ आगामी 26 तारीख को सभी प्रखंडों में जो आंदोलन का घोषणा हुआ है, हम उस दिशा में बढ़ेंगे और किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ाई की हम लोग आगे उसको बढ़ाएंगे। इसी के साथ में आज के आंदोलन को भी समाप्त करने की घोषणा की जाती है। विजय जुलूस निकला है किसानों की ओर से, मजदूरों की ओर से, छात्रों की ओर से, पूरी दुनिया देख रहा है कि मोदी जैसे तानाशाह को किसानों ने घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया है और विजय हासिल किया है, वो वापस लेने के लिए मजबूर हुआ है मोदी सरकार। हम इसी सवाल पर कहना चाहेंगे कि और भी हम लड़ाई लड़ेंगे, तानाशाह जितना भी हितग्राही हो, किसानों का आम जनता की लड़ाई सामने सब झुकेगा, लड़ाई तेज करेगी भाकपा माले। इसी के साथ कह रही है कि पूरे राज्य सहित 26 नवंबर को एक बड़ी लड़ाई के रूप में ऐलान करेंगे हर प्रखंड में। इन्हीं बातों के साथ आज विजय जुलूस के मार्फत किसानों को जिंदाबाद कहेंगे और मोदी जो हार हुई है मुर्दाबाद होगा और आगे लड़ाई तेज होगी। आज देश में 26 नवंबर 2020 से जो आंदोलन चल रहा था किसानों का, तीनों कृषि बिल वापस लेने के सवाल पर, जो देश के किसानों के लिए एक काला कानून था, एक काला अध्याय था, जिन्होंने संसद में और राज्यसभा में मोदी सरकार ने अपनी बहुमत के आड़ में तानाशाही पूर्वक जो पास करवा लिया था, इस देश के हजारों किसानों ने शहादत देख करके मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया और देश के किसानों के सामने माफी मांग करके मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि काला कानून को वापस लिया है। और इसीलिए आज पूरे देश के किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, महिला सड़क पर आज विजय मना रही है। जो मोदी सरकार कल तक आंदोलन जीवी और परजीवी कर रहे थे, जो किसानों को बदनाम कर रहे थे, जो किसानों को गद्दार कर रहे थे, वो किसान गद्दार नहीं थे, ये मोदी सरकार गद्दार थे। और उस गद्दार को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा है, तीनों कृषि बिल वापस लेना पड़ा है। और इसीलिए आज हमारी पार्टी के द्वारा विजय जुलूस जो है सो हम लोग मनाए हैं। और अभी और जो CRC NRC बिजली संवर्धन बिल और देश के अंदर में जो निजीकरण का जो दौर चला के मोदी जी जो रखे हैं, हवाई जहाज को जो बेचने के काम कर रहे हैं, जो रेलवे को बेचने का जो प्रस्तावित है, ये तमाम संपत्तियों को नहीं बेचने दिया जाएगा। और ये मोदी सरकार की तानाशाही जो सो नहीं चलेगी और इसीलिए ये काला कानून आज वापस लिया है। हम लोग जब तक संसद में काला कानून को पारित करके वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक पूरे देश में आंदोलन अभी जारी रहेगा। जिन परिवार के लोग मारे गए उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जो झूठा मुकदमा किसानों पर लादा गया है,
उसके वापस नहीं लिया जाएगा। और जो लखीमपुर में किसानों को गाड़ी चला के मार दिया गया अजय मिश्रा जो केंद्रीय मंत्री है, जब तक उसको बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक यह किसान आंदोलन चलेगा। और 26 नवंबर को पूरे झारखंड में, पूरे हम लोग पूरे गिरिडीह जिले में किसानों के धान खरीदी पैक्स के जरिए 1 दिसंबर से शुरू हो, दाखिल खारिज हो, ऑनलाइन रसीद कटे, इन तमाम सवालों को लेकर के हर प्रखंड मुख्यालय पर 26 नवंबर को हर अंचल कार्यालय पर हमारी पार्टी किसान महासभा के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और यदि पैक्स के जरिए किसानों का धान नहीं खरीदा, औने पौने धान में धान का लूट हुई, तो इस बार अखिल भारतीय किसान महासभा चुप नहीं बैठेगी। और 28 नवंबर को हम लोग डीसी से मिलेंगे, जिला कृषि पदाधिकारी और जिला आपूर्ति पदाधिकारी से, कि आप फरवरी और मार्च में जो पैक्स खोलते हैं तब तक धान किसानों का बिक जाता है। इस बार झारखंड सरकार ने 2100 क्विंटल रुपये धान का खरीदी तय किया, इसलिए हम चाहेंगे कि 2100 रुपये क्विंटल धान की खरीदी सरकार सुनिश्चित करे और पैक्स को जो है सो जल्द खोले, और नहीं तो इस बार मनमाना नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने आज एक विजय जुलूस निकाले हैं और 26 नवंबर को हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन और धरना देंगे। और इस बार गिरिडीह जिला में 1 लाख किसान सभा की सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो कल से शुरू होगी। धन्यवाद।